नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके विषय मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट पेपर का मैं क्वेश्चन के साथ साथ आंसर लेकर आऊँ फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर मिला लीजिएगा। और आप लोग क्वेश्चन भी देख सकते हैं किस टाइप से बीपीएससी ने फर्स्ट टाइम टीचर रिक्वायरमेंट पेपर में पूछा है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए, तो पहला का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मैथमेटिक्स क्वेश्चन था जो कि इसका राइट आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दी जाएगा। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 थर्ड होगा, 16 × 2/3 आएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, तो फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्व करने पे आता था फ्रेंड्स इसका 94 आंसर जो कि नहीं था, तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। फाइव क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग अगर सॉल्व करते होंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड ही है। एंड नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था फ्रेंड्स मैथ का, आप लोगों को समय ज़्यादा ले रहा होगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। क्लियर है, ई आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। सेवेंथ क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 आएगा। नेक्स्ट एक खिलौना फ्रेंड्स, एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर डी था, नन ऑफ दीज था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फ्रेंड्स नाइन्थ क्वेश्चन जो था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर आएगा 450, जो कि फ्रेंड्स आप लोग सेट्स का फार्मूला यूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवां का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, तो ये आपको के का मान निकालना, तो इसका राइट आंसर आएगा -2/3। 12 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, जो कि 60° था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 13वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आता 1961 आता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व किए तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब 15, तो फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, वैसे इसका नाइन ऑफ दी जाना चाहिए था। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 का भी राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी आएगा, नाइन ऑफ दी जाएगा। 17, तो 17 क्वेश्चन तो कटा हुआ, लेकिन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पोटेंशियोमीटर होगा जो विद्युत विभव को बताता है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो फ्रेंड्स मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका राइट आंसर होगा सदिश मात्रा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, जब फ्रेंड्स वह खड़े होने की स्थिति में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। एंड 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन था ना किसका प्रकीर्णन, किस कौन सा रंग सबसे ज़्यादा फैलता है, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बैगनी था। मिट्टी के तेल में बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी की सतह क्या होगा, फिर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वैसे ही रहेगी। एंड 22, तो निम्नलिखित में किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो फ्रेंड रक्त प्लाज्मा का होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर। 24 क्वेश्चन, शुष्क भूजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, फ्रेंड्स कुछ याद आ जाता है इससे, तो विरंजक चूर्ण होता है। क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, अनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ओम के नियम के सत्यापन पर ध्यान रखने वाली बात है, तो फ्रेंड्स ओम के नियम में सत्यापन करते हैं तो एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट 27, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड गैस का उत्पादन होता है। नेक्स्ट 28, तो 28 क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी बढ़िया था, तो 28 का जो ऑप्शन नंबर बी आएगा, वन है रोपण आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, वन रोपण आएगा। क्लियर है। एंड 29, तो 29 फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले आप लोग देख लीजिए क्या लिख रहा, तो उसके बाद ही मैं बताऊँगा आप लोगों को। खाने के डिब्बों में क्या लिखा, देखिए खाने के डिब्बे में जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी जाती है, क्यों, तो वैसे तो इसका आंसर फ्रेंड्स बहुत को बोल रहे हैं आपका अभिक्रियाशील की वजह से, लेकिन फ्रेंड्स गलनांक भी होता है इसका, टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, ये होनी चाहिए। एंड 30 क्वेश्चन, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी एक से अधिक होता है, इसमें डिम का भी निर्माण होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्रावण होता है, एस्ट्रोजन का स्रावण होता है, यानी उपयोग में एक से अधिक होगा। अब देखिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में फ्रेंड्स टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कोलेफॉर्म क्या होता है, तो फ्रेंड्स प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 33 का क्वेश्चन देखता हूँ क्या क्वेश्चन था ये, भारत में संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, विमल पटेल। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले
मानव भारत के वयस्क आबादी के मतदाओं के प्रभावी प्रतिशत क्या थे? तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, इसका आंसर तो नहीं पता ही चला, आयोग के द्वारा पता चलेगा। MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, जो कि मोरक्को के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का पहला केबल स्टेल रेल पुल कहाँ बनाया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि जम्मू कश्मीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, जो कि गुजरात था। नेक्स्ट 39, चंपारण सत्याग्रहण के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात अभ्यास प्रयास के पीछे कौन था? तो फ्रेंड्स के आयोग ही बता सकते हैं क्या आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित कौन सा देश हाल ही में गठित U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो फ्रेंड्स में भारत भी, इजराइल भी, UAE भी है, तो ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ था ये। एंड 42 क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स देखेंगे आप लोग क्वेश्चन क्या लिख रहा है। तृतीय भारत प्रशांत द्वितीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। नेक्स्ट, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले आश्वेत मुख्य न्यायाधीश चुने गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूयॉर्क का चुने गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन पूछ रहा। निम्नलिखित में किस देश के संसदीय ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत NATO+2 का हिस्सा बनना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, USA। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भूकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, जॉर्जी गोस्पोडिनेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने, यानी कि CEO? तो इसका राइट आंसर होगा लिंडा याकी याकारिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है? तो फ्रेंड्स 51 point something होता, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती है, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। एंड नेक्स्ट, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कदम का पेड़। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो फ्रेंड्स जायद के लिए खरबूजा, तरबूज और खीरा तीनों का, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि डी होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा को बनाती है। आकार और माप के समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शुक्र ग्रह। निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी के बेसिन का हिस्सा है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि वेनेजुएला कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका देखेंगे आप लोग, तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था इंदिरा गांधी के द्वारा दिया था, क्लियर है, यानी ए का 2 हो जाएगा। लोकतंत्र बचाओ था जनता दल का था, ठीक है, और जोतने वाले भूमि था वाम मोर्चा था, ये था, ये हो गया, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रूसी क्रांति का USA के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा एक से अधिक होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहारों में प्रमुख मांग कौन सी थी? तो फ्रेंड्स का देख लेंगे आंसर क्या है, आयोग के द्वारा पता चलेगा। मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तिका में प्रस्तावित किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होने वाली वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए होगा, इसका क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और वायुमंडल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56, स्थानांतरणीय कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही नाम बताएं? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, इसे इजी तो हम नहीं बोलेंगे, इसका राइट आंसर बी था, क्योंकि मेना जो होता है वह श्रीलंका में कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व के समय क्या होगा? तो इसे अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो दोपहर 2 बजेगा। एंड 58 क्वेश्चन,
महासागरीय पर्पट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो फ्रेंड्स सीमा होता है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम होगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम होगा। कौन सा मचिंग शब्द को व्याख्या करता है? तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है अगला। भारत के खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र में किसकी वस्तुस्थिति सही है? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका होगा लूनेज क्षेत्र गुजरात। बाकी फ्रेंड सुरमा घाटी आपका जो होता है मेघालय में होता है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जगजीवन राम। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान में स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा नवंबर, जो कि 27 नवंबर 1917 को हुआ था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, उराव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही सुमिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि एडवोकेट ऑफ इंडिया लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा था। नेक्स्ट, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। 67, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार देने से समाप्त कर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो फ्रेंड्स बहुत को नमक आंदोलन के लिए भी उपयोग में से कोई नहीं लगाए होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। वह महिला स्वतंत्रता दी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में वायुवृत महिला के रूप में विख्यात थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणा आसिफ अली थी, अरुणा आसिफ अली थी। एंड 70 क्वेश्चन, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पूना। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन कौन किससे संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सहजानंद सरस्वती होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह बताते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ पर औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों के एकमात्र मदर थी? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, तो निम्नलिखित ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसमें फ्रेंड्स ऑन ऑफ दिज होगा, यानी उपयोग में से एक से अधिक होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संस्था पर आदर्श वाक्य है धर्मो रचि रचित? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के होता ही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये होगा वारदोली सत्याग्रह, जो कि गुजरात में हुआ था। अब 81 की ओर हम लोग पढ़ते हैं, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महानंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होनी चाहिए, एक से अधिक होगी। अब फ्रेंड्स 82 आप लोग देख लेंगे इसका आंसर क्या होगा, एंगल। फ्रेंड्स ये सब का क्वेश्चन अभी तक आंसर पता नहीं चल रहा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 में होता, यानी कि ए का फोर अगर कहीं आता तो वही हो गया आंसर, सॉरी ए का फोर, दहेज बी का फोर कहीं, हाँ तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा आंसर, बी का यानी हाँ इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माता सभा के मिलने पर बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा, एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तिका द ब्रिटिश फुल द इंटेलिजेंस इंडियन एजुकेशन किसने लिखी थी? फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, धर्मपाल ने लिखा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष के संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से किससे अविश्वासित करता है? तो फ्रेंड्स देश की एकता एवं अखंडता होनी चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुक्केबाजी से ग्रसित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रंजन गोगोई होगा, रंजन गोगोई होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 89, निम्न कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि फास्फोरस चक्र होता है। निम्नलिखित में कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड्स, स्वयंपोषी। निम्नलिखित में किसके पास उच्च स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य होता है? इसका राइट आंसर होगा गामा किरण होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर क्या लिख रहा है अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संरचना का प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जैविक आवर्धन कहते हैं।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की वाहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित किया जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एक से अधिक होगा। मेथोग्लोमोबेनिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पीने के कहाँ होता है, दूषित पानी? तो ऑप्शन नंबर ए होगा नाइट्रेट। पाइतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो फ्रेंड्स ये एक दिशीय होता है, एक दिशीय होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा पाइथन का संगठन है? तो फ्रेंड्स इसमें ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि एक से अधिक होगा। 97, निम्नलिखित में कौन सा गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स मीथेन होगा, मीथेन और CO2 होता है, यानी कि मीथेन होगा। कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि पादप हिरण शेर होगा। नेक्स्ट, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होते, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन वृद्धि करते हैं वे शामिल है, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक से अधिक होगा। अब 101 में आ गया, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सी आहार नाल कहते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, तो फ्रेंड्स 1 से 3% तक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1%। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो फ्रेंड्स सुंदरलाल बहुगुणा होगा इसका आंसर, सी। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूदा होते हैं, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वयं पोषी। अब 105 में आते हैं, तो अगर 105 अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसे अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो ऑप्शन नंबर बी आया होगा, जो कि 30 होता है। 106 आप 107 देखता हूँ, तो 107 फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 22। और ये देखिए, बस ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं किस टाइप से पेपर था। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।